Hello, my dear students. I, Aditi, welcome you to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. At back of me, you can see the awesome team which is here to give you, to guide you, to give you quota level education. And this is the domain in which we'll be working. We'll be making you, or we'll be giving you, providing you videos of 6 to 8 Olympiad level, as well as we'll be teaching you NCERT. राइट सो स्कूल लेवल वुड बी कवर्ड एज वेल एज जो एन टी एस जो ओलंपियाड लेवल है वो भी कवर होगा एंड 6th to 10th ऑल द स्कूल लेवल एग्जामिनेशन देन एन टी एस सी एन एस सी जे एस एंड पी आर एम ओ सो दीज आर द डोमेन्स विच वील बी वर्किंग इन एंड इफ यू वॉन्ट एनी डी पी पीस और स्टडी मटीरियल रिलेटेड टू द वीडियो रिलेटेड टू द टॉपिक देन यू कैन सब्सक्राइब ऑन द टेलीग्राम चैनल ऑफ आर्स फॉर दैट यू विल हैव टू डाउनलोड द ऐप जो टेलीग्राम ऐप है उसे डाउनलोड करना होगा एंड देन यू कैन सर्च दीज रेलेवेंट क्लासेस ऑफ योर्स सो टुडेज टॉपिक दैट वी वुड बी स्टडिंग इज ऑफ स्टैंडर्ड 6th आज का जो क्लास है वो 6th स्टैंडर्ड का है तो यू कैन राइट TTB 06 यू कैन इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू द स्टडी मटीरियल और रिलेटेड टू द वीडियो देन यू कैन ऑलवेज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स गिवन बिलो और यू कैन आस्क ऑन द टेलीग्राम चैनल Right. So before starting, I would want you to make the cardinal promise to yourself, to me, to yourself as well, that you will attend whole of my lecture and you will make proper notes of everything so that you may be able to pass your exams with very good marks. You become a smart student as well. Obviously, you will become a smart student. So today's topic that we are doing is mathematical operations. Obviously, we do this in maths as well. Maths mein bhi hum log use karte hain. Basic thing that we are using in this is V-BODMAS. Right, so that I have already told in 6, 7, 8. All the three classes I have already told this in my earlier videos, in my earlier lectures. So mathematical operations that is about, all you have to do, all you need to remember is how to plus, minus, into, divide. Now, ab uske upar, uske basis pe, how questions come in the examinations, we are going to see that, ki un plus minus into divide pe kis tarah ke questions aate hain, hame wo dekhna hai. So, let's start with question number one. These are the questions which have come already in the exam. So, we'll be practicing. I hope aapne sab kuch cover to kar hi liya hai. Right? So, we will be practicing questions and in the same ways, you'll practice more and more questions. There's only one way to master math and that is through doing more and more of practice. Jitne zyada question karenge, utna hi zyada aapko बेहतर होगा राइट सो फर्स्ट क्वेश्चन सेज इफ प्लस मीन्स माइनस मीन्स इट सेज दैट प्लस स्टैंड्स फॉर वॉट माइनस देन मल्टीप्लाई स्टैंड्स फॉर डिवाइड मीन्स डिवाइड देन डिवाइड मीन्स प्लस एंड माइनस मीन्स मल्टीप्लाई ओके जो भी वहां पर लिखा है उस सबको मैंने यहां पर लिख दिया ओके नेक्स्ट अब वो बोलता है देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन नाउ आई नीड टू टेक द वैल्यू टेक आउट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन का मुझे वैल्यू निकालना है उसके अंदर मैं क्या करूँगी अभी मल्टीप्लाई माइनस प्लस डिवाइड इसका जो वैल्यू है वो मैं क्या करूँगी यहाँ पे इन सब का मैं वो लिख लूँगी जो इंटरचेंज करके जो कन्वर्ट करके मुझे लिखना है यहाँ पर देखो ये अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई की जगह पे डिवाइड माइनस है तो उसकी जगह पे मल्टीप्लाई इस तरह से मुझे कन्वर्ट करके इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और देन आई हैव टू टेक द आंसर ऑफ इट राइट सो लेट्स स्टार्ट विद दिस दैट इज 252 मल्टीप्लाई अब मल्टीप्लाई की जगह पे मैं क्या लगा दूंगी डिवाइड देन 9 माइनस की जगह पे आई विल यूज मल्टीप्लाई एंड देन 5 प्लस की जगह पे आई विल बी डूइंग माइनस एंड 32 एंड डिवाइड की जगह पे आई विल बी डूइंग प्लस 92 दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस इक्वेशन और दिस इज रियली सिंपल व्हाट यू हैव टू डू इज वी बॉडमस बस वी बॉडमस को आप यूज कर लो वी बॉडमस का ही रूल लगेगा इन सारे क्वेश्चन के अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें वी बॉडमस का ही आपको यूज करना होता है अभी वी कैन यूज इट फर्स्ट वी विल बी डिवाइडिंग इट सो दिस बिकम्स वॉट 9 2s are 18 and 5 6 7 9 8s are 72 सो 28 हो गया मल्टीप्लाइड बाय 5 बाकी की इक्वेशन में एज इट इज लिख देती हूँ प्लस 92 नाउ अभी क्या है वी बॉडमस में डिवीजन के बाद क्या आता है मल्टीप्लीकेशन सो आई विल बी मल्टीप्लाइंग दिस सो दिस बिकम्स 40 एंड 5 2s are 10 8 5s are 40 5 2s are 10 and 4 सो दिस बिकम्स 40 and 0 5 to 10
10, 14, right? 140. This becomes 140. This becomes 140 minus 32 plus 92. अभी like signs वालों को मैं एक साथ add कर लूँगी, minus को बाद में करूँगी. So this gives me what? 2, 9, 13 and 132 minus 32. So this gives me what? 100. This gives me answer as 100, which is what? अच्छा, अपन ने कहीं mistake करी है. This is... we have done a mistake somewhere because 100 is not in the... This has to be 10... where is the mistake here? 8 5s are is 40, 5 to the 10, 11, 12, 13, 14 is correct. Minus 32 is again correct. Minus 32 is again correct. Plus 92. This gives me what? Achha, this is 2 here. This is 2 here. Right, children? So, ye kitna ho jayega? This will be 200. This gives me 200. Fine. So, अब सही आ गया हम लोग का आंसर. दिस गिव्स मी 200. तो डी ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट हो गया. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. आया समझ में किस तरह से करना है? देयर वाज अ मिस्टेक हियर जो मैंने सही कर दी. राइट, 232, इट वाज नॉट 132 एंड द आंसर इज 200 देन. राइट, दैट इज ऑप्शन नंबर डी. लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ प्लस मीन्स मल्टीप्लाई, प्लस का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स माइनस, डिवाइड मीन्स प्लस and minus means divide. Okay, so abhi then which of the following is the result of this? Ab mujhe ise solve karna hai, same tarike se main karungi. So you also do it, start doing it with me only. So 175 minus ki jagah pe divide aa jayega, then 25 divide ki jagah pe plus aa jayega, then 5 plus ki jagah pe aa jayega multiply and 20 एंड मल्टीप्लीकेशन की जगह पे आ जाएगा माइनस एंड 3 एंड प्लस की जगह पे अगेन मल्टीप्लाई एंड 10. ओके, सो अब मैं क्या करूँगी, इसको सबसे पहले डिवाइड करूँगी. सो 175 डिवाइडेड बाई 25 इज वॉट? 7. 25 इंटू 7 करूँगी अगर मैं तो 35 इंटू 14 एंड 14 एंड 3 17. सो 7 हो गया, 7 टाइम्स आएगा ये. प्लस 5 एज इट इज़ मैं लिख लूँगी, प्लस 5 इंटू 20 डायरेक्ट कर देते हैं अपन. राइट, इसको अगर डायरेक्ट करें तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू 20 कितना हो जाएगा? आई विल बी डूइंग 5 इंटू 20 एंड 3 इंटू 10 डायरेक्टली मैं लिख दूंगी यहाँ पर. तो मुझे कितना आंसर मिल जाएगा? 5 इंटू 20 इज़ वॉट? 100. राइट, इसको मैंने डिवाइड कर लिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया माइनस, दिस गिव्स मी वॉट? 30. राइट, तो मेरा आंसर कितना हो गया? इन दोनों को मैंने ऐड किया, दिस गिव्स मी 107 माइनस 30 विच गिव्स मी व्हाट? दिस गिव्स मी 77. दिस गिव्स मी 77. राइट, 77 इज माय आंसर हियर. तो वो कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर ए. ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हियर. समझ में आ रहा है हम लोग को कैसे कर रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन. इफ एल स्टैंड्स फॉर प्लस, नाउ दिस सेज L stands for plus, M stands for minus, N stands for multiplication and P stands for division. Then हमें इस question को solve करना है. So do it fast. चलो करते हैं अब इस question को. What does this say? 14. अब n की जगह पे क्या आना चाहिए? मल्टीप्लाई बाय 10. l की जगह पे क्या आना चाहिए? प्लस 42. p की जगह पर आएगा डिविजन एंड देन 2. राइट, एंड देन m की जगह पर इट विल बी सब्ट्रैक्शन एंड 8. ओके, सो लेट्स डू इट नाउ. दिस विल बी व्हाट? 140. वी नो दिस. दिस विल बी 140 प्लस, अब 42 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा मेरे पास? दिस विल गिव मी 21 माइनस 8. दिस इज वॉट आई विल गेट. राइट, अब मैं इसको ऐड कर देती हूँ तो कितना हो गया? 1456 एंड 161 माइनस 8. दिस गिव्स मी वॉट? 3 एंड 5 153. 153 कहाँ पर है? ए ऑप्शन में. और ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हियर. हैव वी अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं?
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब इसके अंदर अपन, बेसिकली कन्वर्जन है, कन्वर्जन का ध्यान रखना है कि प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, जो भी वो दे रहा है क्वेश्चन में उसी अकॉर्डिंग अपने को उसको करना होता है. सो नेक्स्ट दिस सेज 20 माइनस 10 मीन्स 200. 20 माइनस 10 मतलब 200. तो 20 और 10 में ऐसा क्या करूंगी कि 200 हो जाएगा, मल्टीप्लाई. इसका मतलब नेगेटिव का क्या मतलब है, नेगेटिव का मतलब है मल्टीप्लाई, मतलब इस नेगेटिव को वो क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तभी 20 इंटू 10 100 आ रहा है, राइट, सॉरी 200 आ रहा है. नेक्स्ट इज 8 डिवाइडेड बाय 4 मीन्स 12. अब 8 और 4 में मैं ऐसा क्या ऑपरेशन लगाऊंगी कि 12 आ जाएगा, एडिशन, राइट. सो दिस मीन्स कि डिविजन का क्या मतलब हो गया, एडिशन. तो अब मैं यहाँ लिख देती हूँ डिविजन मीन्स एडिशन, राइट. नेक्स्ट 6 एंड 2 मीन्स 6 इंटू 2 मीन्स 4. अगेन नाउ 6 और 2 में मैं क्या इसका ऑपरेशन करूँगी कि मुझे 4 मिले, माइनस सब्ट्रैक्ट करूँगी. 6 माइनस 2 गिव्स मी व्हाट, 4. सो व्हाट डज दिस मीन, दैन मल्टीप्लीकेशन मीन्स व्हाट, 4, सॉरी मल्टीप्लीकेशन मीन्स सब्ट्रैक्शन. मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन. एंड देन वी हैव टू सॉल्व दिस, इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है इन्हीं सब को यूज करके, इन कन्वर्जन्स को यूज करके. सो लेट्स डू इट. 100 माइनस की जगह पे क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन 10. मल्टीप्लीकेशन की जगह पे क्या आएगा, माइनस, एंड दिस गिव्स अस 1000. देन डिविजन की जगह पे प्लस, एंड 1000 अगेन, राइट. डिविजन की जगह पे आर वी डूइंग इट करेक्ट, माइनस की जगह पे है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह पे है नेगेटिव, एंड डिविजन की जगह पर क्या है, प्लस है, एंड 1000. देन इज प्लस, प्लस के लिए मुझे कुछ नहीं दे रखा, कोई कन्वर्जन नहीं दे रखा, तो मैं प्लस को एज इट इज लिख लूंगी, ठीक है. प्लस को मैंने एज इट इज लिख लिया. देन इज 100, देन इज 100 एंड मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अगेन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया 10. अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये कितना हो गया 1000, राइट. 1000 माइनस 1000 प्लस 1000 प्लस 100 माइनस 10, राइट. तो अब मैं 2000 कर लूंगी. इसको देखो, ये प्लस ये कितना हो गया 2000, 2000 माइनस 1000 कितना हो गया, मैं लिख सकती हूँ 2000 माइनस 1000 गिव्स अस व्हाट, 1000 प्लस 100 माइनस 10. अभी मैं क्या लिख दूंगी यहाँ पे, 1000 प्लस 100 माइनस 10 विच गिव्स मी व्हाट, 1100 माइनस 10, तो ये कितना हो गया 0991. 1990, 1990 कहाँ है, ओ सॉरी 1090. दिस विल गिव मी 1090, जो कि है कौन सा, ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी इज माई करेक्ट हेयर, करेक्ट आंसर हेयर. देख लो एक बार इस क्वेश्चन को किस तरह से होगा ये. ओके, गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन करें अपन. चलो फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है ये, इफ मल्टीप्लाई स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन. सो मल्टीप्लाई स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन, देन डिविजन स्टैंड्स फॉर एडिशन, देन एडिशन इज फॉर डिविजन, एंड सब्ट्रैक्शन इज अगेन फॉर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है. ये सब कन्वर्जन उसने बता दिए. अब वो बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट, मतलब मुझे अब इक्वेशन के अंदर इस कन्वर्जन को लगा करके देखना है कि इक्वल टू के राइट साइड में जो वैल्यू आ रही है वो एक्चुअल में LHS में आ रही है या नहीं. तो मुझे इन इक्वेशंस को सॉल्व करके ऐसे देखना पड़ेगा, राइट. तो अपन सबसे पहले ए इक्वेशन को देखते हैं. लेट्स सी द ए इक्वेशन विच इज व्हाट, 15 माइनस की जगह पे मैं क्या लगा दूंगी, मल्टीप्लाई, 5 डिवाइड की जगह पे प्लस, 5 मल्टीप्लाई की जगह पे माइनस, एंड देन 20, एंड देन एडिशन की जगह पर, ओके, एडिशन की जगह पर क्या आ रहा है, डिविजन एंड 10, राइट. सो दिस गिव्स मी व्हाट, 15 5 is 75 प्लस 5 एंड माइनस 20 डिवाइडेड बाय 10 करूंगी मैं तो कितना हो जाएगा 2. अभी ये कितना हो गया, 75 प्लस 5 इज 80 माइनस 2.
So this gives me what? 78. This gives me 78, which is not equals to 6. This is not equals to 6. मतलब मेरा ये ऑप्शन तो नहीं है. Definitely ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है. Let's check for B option. B option के लिए अब चेक करते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा? 8 डिवाइड की जगह पे क्या आएगा? प्लस 10. डिवाइड की जगह पर प्लस 10, माइनस नहीं आएगा, सॉरी, माइनस की जगह पे क्या आएगा? मल्टीप्लाई. इट विल बी मल्टीप्लाइड, माइनस की जगह पे इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3, प्लस की जगह पर डिवाइड बाय 5, एंड मल्टीप्लाइड की जगह पे नेगेटिव अगेन एंड 6, राइट. सो लेट सी नाउ. सो 8 प्लस, अब 8 प्लस एज इट इज रहेगा 10 इंटू 3 बाय 5. इसी तरह लिख दूंगी मैं इसको, बिकॉज दिस इज वॉट 3/5. समझ गए? फिर से लिखती हूँ मैं एक बार इसको. दिस इज वॉट मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 3 डिवाइडेड बाय 5 है इसको एज इट इज लिख दिया, और ये माइनस 6 हो गया. समझ गए? क्यों? क्योंकि वी बॉडमस के अकॉर्डिंग मुझे डिविजन करना पहले ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने क्या किया, 3/5 कर दिया. बट ये फ्रैक्शन में है, ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है. सो अभी मैं क्या करूँगी? मल्टीप्लाई, राइट. मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में क्या होगा? 5, 2 are 10, राइट. फिर क्या हो जाएगा ये? दिस विल बी 8 प्लस, मल्टीप्लाई करो इसको, 3 2 are 6, माइनस 6, राइट. दिस गिव्स मी वॉट? 8 plus 6 इज वॉट? 14. 14 माइनस 6 कितना हो जाता है? 14 माइनस 6 गिव्स मी वॉट? 8. सो माई आंसर हेयर इज 8, which is equal to RHS equal to 8, राइट. ये है इक्वल 8 के, देखो यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हुआ है. इधर हैव यू अंडरस्टूड किस तरह से करेंगे अपन इन क्वेश्चन को? नेक्स्ट करते हैं अपन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. इट बीइंग गिवन दैट ग्रेटर देन डिनोट्स प्लस, लेस देन डिनोट्स माइनस, प्लस डिनोट्स डिवाइड एंड दिस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट हियर. अब मुझे यहाँ पर भी देखना है कि इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है. सो अपन सबसे पहले ए से स्टार्ट करते हैं. ए ऑप्शन में 3, प्लस की जगह पर क्या है? प्लस की जगह पर है डिवाइड, सो आई राइट डिवाइड हियर. 2, देन ग्रेटर देन डिनोट्स प्लस, सो दिस बिकम्स 4 हियर, इक्वल्स टू 9, प्लस की जगह पर क्या है? अगेन डिवाइड हियर, देन 3, एंड लेस देन डिनोट्स माइनस 2. अब डिवाइड, अब इसको करके देखते हैं अपन. 3/2 + 4 = 9/3 - 2, राइट. सो दिस वॉन्ट बी इक्वल बिकॉज दिस इज वॉट अगेन, यहाँ पे तो क्या आ जाएगा अपने पास? 3 + 4 = 8/2 = दिस इज 3 3 are 9 3 3 are 9 3 - 2 is what 1, सो दिस बिकम्स 11/2 = 1, which is not true. So let's start, let's do the B part करते हैं अपन. B part करके देखते हैं ये सही आ रहा है या नहीं, right? 3 किया, अब greater than का sign means plus 2, again greater than sign means plus 4, equals 18, plus की जगह पर क्या आ जाएगा? Divide by 3, and less than means subtraction of with 1. So this gives me what? 4 plus 3, 6 and 9, this is 9, 9 equals to 18/3 - 1, so this is what? 3 6 are 18, this is 3 6 are 18, so 6 - 1, which is 5, so 9 is not equals to 5, right. So again ye wala bhi sahi nahi hai. Ab apan karte hain c wale option ko, c option karke dekhte hain apan. C option kya bolta hai? C says 3, and then greater than is for plus, greater than is for plus, then 2, again smaller than is for minus 4, multiply is for, multiply denotes greater than 8, then plus is for divide,
and then 4. And then greater than, less than is for subtraction and 2. ठीक है, अब इसको करके देखते हैं अपन. 3 plus 2 is what? 5 minus 4 greater than 8 divided by 4 minus 2. So this gives me what? ये मुझे क्या दे देगा? 1 greater than 4, 2 is 8. This is what? 2 minus 2 is 0. 2 minus 2 is 0. तो इसका मतलब क्या हो गया? ये स्टेटमेंट करेक्ट है. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. मीन्स माई सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है. सी ऑप्शन करेक्ट हो गया. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, 5 minus 4 1 होता है एंड 4 2 ज़ 8, 2 माइनस 2 इज 0. सो ऑब्वियसली 1 बड़ा है 0 से, इसलिए मेरा सही ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन सी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, सेवेंथ वाला. ओके, अगेन इट सेज द सेम थिंग. अभी अपने को देन व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू निकालने के लिए बोलता है ये. सो लेट्स डू इट. 27. अब ग्रेटर देन का क्या मीनिंग है? ग्रेटर देन मीन्स प्लस. ग्रेटर देन मीन्स प्लस 81. एंड डॉलर, डॉलर का साइन जो है दैट मीन्स डिवाइडेड बाय. सो डॉलर साइन मीन्स डिवाइडेड बाय 9. एंड देन लेस देन, लेस देन मीन्स माइनस 6. ठीक है, जो यहाँ पे दे रखा है उसको एज इट इज मैंने यहाँ पे लिख लिया. अब करते हैं इसको अपन. सबसे पहले मैं डिवाइड करूँगी. सो 27 प्लस 81 को 9 से डिवाइड किया तो कितना आया? 9. 9 9 से 81 होता है, माइनस 6. अब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगी, विच गिव्स मी व्हाट? 36 माइनस 6. आंसर कितना आ गया? देर इज नो 30 हियर. यहाँ पे कुछ तो अपन ने गड़बड़ कर दी है. 9, 10, दिस गिव्स अस 6, 36, 30 होना चाहिए आंसर. तो आंसर बिल्कुल 30 ही होना चाहिए. सो आंसर हेयर इज 30. आंसर हेयर इज 30, विच इज वॉट? नन ऑफ दीज. इसके अंदर एक भी आंसर वो नहीं है जो हमारा आ रहा है, दैट इज 30. हमने कहीं मिस्टेक नहीं करी इसके अंदर. फिर भी आप लोग चेक कर लीजिएगा, आप भी घर पे करिएगा. ठीक है, सो इट इज करेक्ट. लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन. प्लस मीन्स डिवाइडेड बाय, माइनस मीन्स दिस सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम मल्टीप्लाइड, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? सो लेट्स डू इट. 24. डिवाइड का क्या मीनिंग है? डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाइड बाय, देन 12. माइनस मीन्स व्हाट? माइनस मीन्स एडेड टू. 18, राइट? एंड प्लस मीन्स डिवाइडेड बाय, प्लस मीन्स डिवाइडेड बाय 9. ठीक है, सबसे पहले अपन 9 से करेंगे डिवाइड. 24 इंटू 12 प्लस 9 टू ज़ 18, 2 हो गया. अब इसे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी. अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे कितना मिलेगा? 24 इंटू 12 विच गिव्स मी 8 एंड 4, एंड दिस गिव्स मी 4 एंड 2. सो 288, दिस गिव्स मी 288 प्लस 2. सो माई आंसर इज वॉट? 290. माई आंसर इज 290, विच इज वॉट? ऑप्शन नंबर डी. डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया. यहाँ पर सॉल्व किया इसको मैंने तो. ठीक है, आ रहा है समझ में कैसे करना है इन क्वेश्चंस को? और करते हैं अपन आगे. All right. If dollar means plus, this, ये सब दे रखा है, then what is the value of this? Calculate करते हैं अपन. 16. बीच में करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा. So 16. Then dollar का sign means, dollar sign means plus 4. At the rate means multiplied by 5. Hash means minus 72 and asterisk means divided by 8. बन गई equation? Equation बन गई अपनी. अब क्या करना है? V bodmas, simple. So 16 plus 5 4 are 20. इसको मैं कर सकती हूँ क्योंकि बाद में वैसे भी negative का sign है. So minus 9 8 are 72. So 9 times जाएगा ये. 9 8 are 72 होता है. अब पहले मैं ऐड कर लूंगी. दिस बिकम्स व्हाट? 36 माइनस 9 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 16 माइनस 6 एंड 3.
So this becomes 7, 27. So this becomes what? 27 आ गया आंसर. 27 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी. दिस इज हाउ वी डू दीज क्वेश्चंस. देख लो एक बार इसको. राइट. अब करें नेक्स्ट क्वेश्चन करें अपन. करो अब इस क्वेश्चन को करो फटाफट से. फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. अगेन इट इज सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन. 16 मल्टीप्लाई की जगह पे क्या हो जाएगा? प्लस 3. फिर प्लस की जगह पे क्या आएगा? माइनस 5. माइनस मीन्स डिविजन 2 एंड डिवाइड मीन्स वॉट? मल्टीप्लाई 4. करो फटाफट से इस क्वेश्चन को. दिस विल गिव अस वॉट? 16 प्लस 3 माइनस, अब मैं क्या करूँगी, 5/2 लिख दूंगी. 5/2 लिख दूंगी बिकॉज डिविजन में है एंड मल्टीप्लाई बाय 4 क्योंकि दिस इज फ्रैक्शन, तो वो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, तो मैं 4 से इसको डिवाइड कर दूंगी. दिस गिव्स मी 2. सो अभी मेरे पास क्या हो गया? 16 प्लस 3 माइनस 10 हो गया. सो दिस गिव्स मी वॉट? 19 माइनस 10 विच गिव्स मी 9 एज द आंसर एंड विच इज ऑप्शन नंबर ए. दैट इज ऑप्शन नंबर ए. लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ दिस दिस मीन्स दिस, तो इसका क्या आंसर होगा? चलो वेल, प्लस है, प्लस की जगह पे क्या आ रहा है? डिवाइड 6. देन डिविजन मीन्स माइनस एंड 3. देन माइनस मीन्स मल्टीप्लाई एंड 2 एंड मल्टीप्लाई मीन्स प्लस एंड 8. ठीक है. करो अब इस क्वेश्चन को. सो दिस इज वॉट? 6 2s are 12 माइनस 3 2s are 6 प्लस 8. अब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगी. दिस इज वॉट? 10 माइनस 6 दैट गिव्स मी 4. सो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया इधर. राइट. इजी इजी क्वेश्चन था ये तो. नेक्स्ट ये भी बहुत इजी है. 15 माइनस की जगह पे क्या आएगा? माइनस मीन्स मल्टीप्लाई एंड देन 3. देन प्लस की जगह पे आ रहा है माइनस एंड देन 10. फिर मल्टीप्लाई की जगह पे क्या आएगा? डिवाइड बाय 5 एंड डिवाइड की जगह पे क्या आ रहा है? प्लस 5. राइट. सो 15 3s are 45 माइनस, अब 5 2s are 10 होता है, 2 हो गया, प्लस 5. नाउ अगेन मैं इसे ऐड कर दूंगी. दिस गिव्स मी 50 माइनस 2 विच इज वॉट? 48. सो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया इधर. सी ऑप्शन इज माई करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट करते हैं अपन. अगेन सेम बेस. अब सबसे पहले मुझे इसे सॉल्व करना होगा क्योंकि ये ब्रैकेट में है, सिंपल सी बात है. सो 3 माइनस की जगह पे क्या आएगा? मल्टीप्लाई देन 15 डिवाइड की जगह पे प्लस एंड देन 19. राइट. देन मल्टीप्लाई की जगह पे अगेन क्या आने वाला है? डिवाइड 8 एंड प्लस मीन्स माइनस 6. अब सबसे पहले ऑल दो डिविजन है पर वो बाहर है, पहले मुझे ब्रैकेट सॉल्व करना है. वी बॉडमस के अकॉर्डिंग ब्रैकेट शुड बी सॉल्व फर्स्ट. सो अब उसके अंदर भी यहाँ मल्टीप्लीकेशन है. उसे मैं पहले सॉल्व करूँगी. 15 3s are 45 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 6. अगेन दिस बिकम्स 4. 6 डिवाइडेड बाय 8 एंड माइनस 6. 8 8s are 64 माइनस 6 दिस गिव्स मी 2. तो 2 आंसर हो गया विच इज ऑप्शन नंबर बी. बी ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ पर. ऑलराइट. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन. 14 सेम तरह का क्वेश्चन है ये भी. 8. सो व्हाई आई एम मेकिंग यू डू दीज क्वेश्चन? सो दैट आपको फटाफट से ये सब करना आ जाए. इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैंने यहीं करवा दी. सो आप फटाफट से देख करके इन क्वेश्चंस को कर पाओगे. ओके. सो नेक्स्ट 8 मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाई के लिए क्या है यहाँ पर? इट इज प्लस देन 7 माइनस की जगह पे. माइनस मींस मल्टीप्लाई एंड देन
8 and then plus means divided by 40 and divide means minus 2. Okay, अब फिर से divide करेंगे अपन 8 plus this has to come in the fraction 7 into 8 by 40 which is what? 8 5s are 40 so 7 by 5 minus 2. अब क्या करूंगी मैं 8 plus 7 by 5 minus 2. So this becomes 8 5s are 40. 40 plus 7 upon 5 minus 2. This gives us 47 upon 5 minus 2. This gives us what? 47 minus 10 upon 5 which gives us what? 37. This gives us 37 upon 5 which is what? This is 5, 7 is 35, 7, 2. 7, 2 by 5, which is option number B. Option B, correct answer ho gaya iske andar. Option B is our correct answer here. Have you understood kis tarah se karna hai is question ko? Kuch bhi nahi, bas fraction mein aa raha hai answer. Yahan pe divide tha, maine kar diya yahan pe multiply. And this is coming in the fraction form. Bas us fraction ko maine kis mein change kar diya? Mixed mein, kyunki mixed mein mujhe option de rakhe the. Right, let's do the next question. 15. Okay, if multiply means, chalo us question ko karte hain. 15. Right, abhi minus means what? Minus means multiply to divide. Divide means plus and then 900. Then plus. Plus means divide 90. And multiply. Multiply means negative, means subtraction and 100. Okay, अब इस question को करना है अपने को. करो इस question को. So 15 into 2 gives me 30 plus 900 divided by 90 gives me what? 10 minus 100. ठीक है, अभी मैं क्या कर लूँगी, इनको ऐड कर दूँगी. 40 माइनस 100, कहीं तो गड़बड़ कर दी अपन ने. वी हैव डन मिस्टेक समवेयर व्हिच इज व्हाट? 15 एंड देन नेगेटिव मींस मल्टीप्लिकेशन. नेगेटिव मींस मल्टीप्लिकेशन 2 एंड डिवीजन की जगह पे डिवीजन मींस एडिशन 900. देन प्लस की जगह पर प्लस मींस माइनस. ओके प्लस मीन्स डिविजन. ओके प्लस मीन्स डिविजन करेक्ट है 90 एंड देन मल्टीप्लीकेशन मीन्स सब्ट्रैक्शन सही है. सो लेट्स डू दिस. 15 इंटू 2 प्लस 900 डिवाइडेड बाय 9 इज 9 वन ज़ा 9 एंड 0 राइट 10 राइट 10 हो जाएगा माइनस 100. Then this is 15 to the 30. Where is it wrong? या तो इसमें कहीं wrong है, question में कहीं तो wrong हो रहा है ये. फिर तो 15 to the 30 has to be some mistake. कुछ तो mistake हो रही है इसके अंदर. 30 and plus 10 minus 100. Obviously मैं इसको पहले करूँगी because this is how it is. So अगर minus भी किया so this is 40 minus 100 like right इस according तो यही आ रहा है अपना answer. तो कहीं ना कहीं question में printing में mistake है. I guess there is a mistake in the like print, इसीलिए वो नहीं आ रहा है. otherwise अपन ने लिखा तो सही है right. so we'll check this question. इस question को अपन check करेंगे. next question करते हैं अपन. 16 okay so this is given in the fraction. now fraction में दिया हुआ है अपने को. this is misprint. This is a misprint here. तो अब अपन करते हैं इस क्वेश्चन को. दिस सेज 36 मल्टीप्लाइड. मल्टीप्लाइड का मीन्स क्या दे रखा है? मल्टीप्लाई मीन्स सब्ट्रैक्शन 4. माइनस की जगह पे क्या बोल रहा है वो? डिविजन 8. देन मल्टीप्लीकेशन की जगह पे क्या बोल रहा है? सब्ट्रैक्शन एंड 4. अगेन 4. प्लस की जगह पे क्या आएगा? मल्टीप्लाई 8
देन मल्टीप्लीकेशन की जगह पर आएगा नेगेटिव साइन 2, देन प्लस की जगह पर मल्टीप्लाई अगेन एंड 16, एंड डिविजन मीन्स प्लस 1। ठीक है, आ गया समझ में? कन्वर्ट कर दिया अपन ने। सबसे पहले ऑब्वियसली इसी को करेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट में है। सो कितना हो जाएगा ये, 36 माइनस 4 इज वॉट, 32। दिस इज 32 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 4 अपॉन 8 फोर ज 32 माइनस 32 प्लस 1। ओके, ये हो गया। अब आगे करते हैं अपन इस क्वेश्चन को। 8 फोर ज 32, 8 फोर ज 32 माइनस 4 अपॉन, अब वॉट एम आई गोइंग टू डू इज, वॉट एम आई गोइंग टू डू, अगर मैं 32 और 32 अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो भी आंसर आ जाएगा, और अगर मैं ऐसा करूं कि 32 प्लस 1 मीन्स 33 माइनस 32 तो भी मेरे पास क्या आएगा, 1 ही आएगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई विल गो विद द प्रॉपर चैनल व्हिच इज व्हाट, 33 माइनस 32, सो दिस गिव्स मी व्हाट, 0 अपॉन 1 व्हिच इज अगेन व्हाट, 0। सो द करेक्ट आंसर हियर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। प्लीज चेक दिस क्वेश्चन अगेन, मतलब करो इस क्वेश्चन को। ओके, सो हैव वी अंडरस्टूड कि किस तरह से मैथमेटिकल ऑपरेशंस के क्वेश्चंस आते हैं, दिस इज हाउ इट इज। There are many more other types as well which we'll be doing in the next classes of course, and this is all for today. I hope ki aapko samajh mein aaya ye questions kis tarah se karne hain, and I have made you do a lot of practice of these questions, of one type of question. Next type pe apan next type lenge. Okay, so that is all for today children. Thank you so much for watching. I hope you liked it. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. Remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. So thank you so much.